हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल डिलीशियस फूड बाय सुचित्रा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चिकन कौशा रेसिपी। ये एकदम सिंपली बन जाती है और इसका एकदम सुपर फास्ट एंड इजी रेसिपी आज मैं शेयर करने जा रही हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। और जो न्यू फ्रेंड है, अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी तो मेरे साथ जुड़ने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को दबा देना और साथ में दी हुई बेल बटन को दबाना मत भूलना, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो दूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। मैंने यहाँ पे पहले चिकन लिया है और उसमें ही मैं काट के टमाटर, लहसुन, अदरक, हरा मिर्च और जो अनियन है सबको काट के डाल दिया है। थोड़ा दही दिया है और इन सबको अच्छे से मैं मैरिनेट कर रही हूँ। थोड़ा सा नमक भी देना है, तो इन सबको मैं अच्छे से मैरिनेट कर रही हूँ। तो मैरिनेट करके मैंने रख दिया है और थोड़ा सा ऑयल भी देना है। अब कढ़ाई में ऑयल देके मैं पहले आलू भी दूंगी मैं इसमें, तो इसीलिए आलू को भी फ्राई कर रही हूँ। और मैं इसमें डालूंगी ऑयल में तेजपत्ता, सूखा मिर्च और गरम मसाला और एकदम थोड़ा सा जायफल। गरम हो गया है ऑयल, तो उसमें मैं पहले ये साबुत मसाला डाल दूंगी और ये जो मैंने मैरिनेट करके रखा है ये सारे भी चिकन डाल दूंगी। थोड़ा सा नमक देंगे, थोड़ा सा क्यूमिन पाउडर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च पाउडर और थोड़ा चिकन मसाला अगर आपको पसंद हो तो। इसमें ज़्यादा कुछ मसाला भी नहीं लगती है और जो मसाला आप लोग पहले बना के फिर चिकन डालते हो उसका भी कोई झंझट नहीं है। थोड़ा सा हल्दी भी दे दिया तो ये एकदम झटपट बन जाती है और खाने में भी अलग टेस्ट मिलेगा आपको। तो ये बहुत सिंपल रेसिपी है और क्विक मेड भी है, अगर आपको बहुत जल्दी भी है तो ऐसे बना सकते हो और ये बहुत जल्दी बन भी जाती है ऐसे बनाने से। 30-40 मिनट तक ये बन भी जाती है, तो आप लोग इसी तरीके से ज़रूर ट्राई करना। और एक साइड में मैं आलू फ्राई कर रही थी, वो भी फ्राई हो गई है मेरा। अब मैं घर का जो ये क्रीम है ये डालूंगी, ये ऑप्शनल है, अगर आपके घर में हो तो डाल सकते हो। अमूल क्रीम भी आप डाल सकते हो। तो क्रीम डालने से थोड़ा टेस्ट ज़्यादा होती है, इसीलिए मैंने थोड़ा क्रीम भी डाला है। अब इसको ढक के मैं पकाऊंगी, कुछ देर बाद इसको खोल के चला देना है। तो मैंने यहाँ पे पहले कोई भी मसाला को फ्राई नहीं किया, जैसे हम लोग पहले ऑनियन टमाटर फ्राई कर लेते हैं, तो मैंने कुछ भी फ्राई नहीं किया। एकदम सिंपल सी रेसिपी है, आप लोग इसको बहुत सिंपली बना सकते हो लेकिन इसका टेस्ट आपको अलग ही मिलेगा। तो ये बहुत टेस्टी होती है और डिफरेंट भी होती है, तो आप लोग एक बार इस तरीके से भी चिकन को ट्राई करके ज़रूर देखना। तो देखिए इनमें से जो पानी निकल रही है, मैंने कोई पानी नहीं डाला, इसमें ये बॉयल हो रही है। अब मैं आधा बॉयल होने के बाद इसमें आलू डाल दूंगी, अगर आप आलू दे रहे हो तो। अगर आलू नहीं देना है तो ऐसे ही पकाते रहना है। कुछ देर बाद फिर से एक बार चला दूंगी मैं इसको। आप लोग लुक देख रहे हो, चिकन भी मेरा कितने अच्छे से बॉयल हो रही है और कोई पानी मैंने नहीं दिया। ये जो मसाला से निकली हुई है उसी पानी से ये हो रही है। तो फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कर देना और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना। ये देखिए, ये मेरा एकदम बनने की मुंह में ही है और कुछ देर में ये बन के रेडी हो जाएगा।
मैं थोड़ा सा कलर के लिए और थोड़ा कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल दिया। मुझे थोड़ा कलर अच्छी लगती है चिकन में कि थोड़ा सा रेडिश कलर का हो, तो मैंने और थोड़ा सा डाल दिया। आपको अगर चाहिए तो डालना, नहीं तो ये भी स्किप कर देना। तो ये मेरा ग्रेवी देखिए कितना अच्छा बनी है, और मैं 2-3 मिनट में इसको बंद कर दूंगी। तो मेरा चिकन बन चुकी है, आप लोग देखो इसका कितना अच्छा लुक आई है। आप लोग इसमें अगर पानी मिलाना चाहते हो, थोड़ा और ग्रेवी चाहिए आपको, तो मैं तो आज इसको ऐसे ही इंजॉय करूंगी। आपको अगर और भी ग्रेवी चाहिए, थोड़ा सा गर्म पानी इनको इनमें आप लोग मिला सकते हो और 5 मिनट तक बॉईल कर लेना। अब मैं इसमें थोड़ा सा घी डालूंगी और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। तो ये मेरा बन चुकी है। तो फ्रेंड्स, मैं इसको अब ढक दूंगी कुछ देर के लिए और गैस की फ्लेम ऑफ कर दूंगी। तो ये देखिए मेरा चिकन का फाइनल लुक। आज मैं इसको पूरी के साथ सर्व करने वाली हूँ, आपको सर्व करके भी मैं दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपी क्विक मेड चिकन रेसिपी आप लोगों को पसंद हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा। और फ्रेंड्स, इसका टेस्ट भी थोड़ा डिफरेंस होती है, तो आप लोग भी इसी तरीके से बना के ज़रूर इन्जॉय करना। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने आज पूरी के साथ इस चिकन को सर्व किया है। तो आप लोग भी रोटी, पराठा या पूरी के साथ इसको इंजॉय कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।